प्री इनकॉर्पोरेशन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट वो क्या करना है एक बार और फिर से पढ़ लेते हैं ठीक है। कल की क्लास में वैसे हम लोग पढ़े ही थे लेकिन हम उसको एक बार और क्या कर लेते हैं रिवाइज कर लेते हैं ठीक है। चलो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी में हमने बताया था कि एक होल्डिंग कंपनी होती है कौन सी होती है सब्सिडियरी कंपनी ठीक। होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसकी एक या एक से अधिक क्या होगी सब्सिडियरी कंपनी होगी तो उसी को हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। और सब्सिडियरी कंपनी का मतलब क्या होता है ऐसी कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी जो है वो 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करता है ठीक। हमने पढ़ा था कि एक होल्डिंग की कई सारी सब्सिडीज हो सकती है लेकिन एक सब्सिडीज की एक से अधिक होल्डिंग नहीं हो सकती। फिर हम लोग पढ़े थे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो और उसमें से माइनस कर देंगे तीन चीज शेयर होल्डर्स फंड यानी कि शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा रिवैल्यूएशन अगर प्रॉफिट ऑफ होगा उसको भी क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अगर पॉजिटिव फिगर आएगी तो वो क्या होगी गुडविल और अगर निगेटिव फिगर आएगी तो वो क्या होगा कैपिटल। इतनी बात हम लोगों ने देख लिया था। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये है तुम्हारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें ये पॉइंट होगा ही होगा ये तो पक्का है ठीक। यानी कि आगे आने वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है। पहले हम स्टैट्यूटरी वार्निंग आपको दे रहे हैं कि अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो आगे आने वाले कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे ठीक। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको बहुत ध्यान से समझो क्या है। बहुत इजी कंसेप्ट है एक बार में समझ में आ जाएगा अगर अगर एकदम थोड़ा भी कॉन्सेप्ट करके अगर तुम लोग देखोगे तो। सबसे पहले याद रखना कि अगर कहीं भी क्वेश्चन में ये तीन चीज दे दिया रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया ऐसा समझो रिजर्व एंड सरप्लस तो उसके अंदर में अगर ये सारी चीजें दी होंगी तो इसको एकदम समझो ये सब भाई है एक दूसरे के एक भाई भाई मतलब कि ये चारों के चारों एक ही परिवार के और वो कौन सा परिवार है रिजर्व एंड सरप्लस ठीक। तो अगर तुमको क्वेश्चन में इन चारों में से कोई भी एक चीज दे दिया चारों ही दे दिया तो इसका मतलब कि उसमें प्री और पोस्ट से हमको मतलब होगा। अगर प्री और पोस्ट दिया होगा तो उसमें हम इन चारों को कंसीडर करेंगे ठीक। यानी कि अगर तुमको क्वेश्चन में दिया होगा कि प्री एक्विजिशन का रेवेन्यू रिजर्व इतना है यानी कि वो भी कंसीडर करेंगे। प्री एक्विजिशन का जनरल रिजर्व इतना है उसको भी कंसीडर करेंगे। प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट एंड लॉस है उसको भी कंसीडर करेंगे और प्री एक्विजिशन का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है उसको भी कंसीडर करेंगे ठीक है। अच्छा तुमको क्वेश्चन में एक चीज और याद रखना तुमको बैलेंस शीट दी रहेगी ठीक है होल्डिंग की और सब्सिडी की। अब मान लो सपोज इसमें दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस और ये मान लो दिया हुआ है तुमको 10,000 और ये दिया हुआ है 4,000। तुम लोगों को पता है कि बैलेंस शीट जो होती है वो होती है एज ऑन। बैलेंस शीट में क्या लिखता है एज ऑन का मतलब होता है आज की डेट में आपके पास बैलेंस शीट में कितने का प्रॉफिट है 4,000 का या कितने का प्रॉफिट है 10,000 का। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि इस साल आपने 4,000 का प्रॉफिट कमाया याद रखना ठीक। इसका ये मतलब होता है कि आज की रेट में आपको प्रॉफिट के नाम पे इतना बैलेंस है। अब ये 4,000 हो सकता है कि अगर मान लो ये 22-23 का है सॉरी 20-21 का मान लेते 20-21 का बैलेंस शीट है हो सकता है कि तुमने 18-19 में कुछ प्रॉफिट कमाया हो 19-20 में कुछ प्रॉफिट कमाया हो 20-21 में जाकर के इतना प्रॉफिट कमाया इन सब का मिला करके तुम्हारे पास आज डेट में कितना प्रॉफिट है 4,000। ये कभी भी इस तरह की तुम लोग गड़बड़ी मत समझना कि 4,000 इस साल का प्रॉफिट है बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कि ये बैलेंस दिखा रहा है कि तुम्हारे पास आज के रेट में कितना प्रॉफिट है 4,000। अब ये हो सकता है 1,000 यहां कमाए हो 2,000 यहां कमाए हो और 1,000 यहां कमाए हो तो 1,000 2,000 हो गया 3,000 और 3 और 1 कितना हो गया 4,000। इसका मतलब कि आज के रेट में मेरे पास प्रॉफिट कितना है 4,000। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि तुमने इस साल इतना प्रॉफिट कमाया ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि आज की रेट में हम खड़े हैं तो हमारे पास गुल्लक में यानी कि बैलेंस यानी कि जो गुल्लक होता है हमारा उसमें कितने का प्रॉफिट है और ये जरूरी नहीं कि सारा का सारा प्रॉफिट इसी साल हुआ हो सकता है कि 1,000 हमारा 18-19 का हो सकता है कि 2,000 हमारा 20-21 का हो ठीक हो सकता है तुम्हारा सॉरी 19-20 का हो
और हो सकता है 1,000 तुम्हारा इस साल यानी कि 2021 का हो। आगे बात समझ में? तो कोई तुमसे पूछेगा इस साल कितना प्रॉफिट कमाए, तो बोलोगे 1,000। आज के डेट में तुम्हारे पास कितना प्रॉफिट है? 4,000। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट बना होगा, क्या बना रहेगा, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो इस साल का प्रॉफिट है। इस साल का प्रॉफिट तुमको अलग से देगा कहां, इंफॉर्मेशन में कि तुमने इस साल इतना प्रॉफिट कमाया। तो एक चीज सर एकदम क्लियर हो गई हम लोग को कि अगर बैलेंस शीट में कोई भी प्रॉफिट दिख रहा है या कोई भी रिजर्व दिख रहा है, अगर रिजर्व मान लो दिखता है 6,000, इसका मतलब कि ये रिजर्व इस साल का रिजर्व नहीं है, अब तक का रिजर्व है। यानी कि कुछ हर साल कुछ प्रॉफिट में से इस साल कहां ट्रांसफर कर रहे थे, रिजर्व में। तो आज के रेट में हमारे पास कितना रिजर्व है? 6,000। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो। उसी तरीके से तुमसे बोल सकता है क्वेश्चन में, जनरल रिजर्व हो गया, मान लो रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम भी अगर मान लो बोल दिया 10,000, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि ये इस साल का सिक्योरिटी प्रीमियम है। ये भी हो सकता है कि हम इक्विटी शेयर से 10 साल पहले इशू किए थे, उसका हमको प्रीमियम मिला था और वही प्रीमियम हमको आज भी कितना दिख रहा है, 10,000। तो बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें होती हैं उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो इस साल का है। उसका ये मतलब होता है कि अब तक, क्योंकि बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, एज ऑन। तो बैलेंस शीट में जितनी भी चीज दी होगी उसका मतलब क्या है, आज के डेट पे हमारे पास इतने का क्या है, प्रॉफिट है। आज की डेट पे हमारे पास इतने का रिजर्व है, आज के डेट पे हमारे पास इतने का जनरल रिजर्व है, कुछ भी है। इतनी कहानी समझ में आई? बोलो। तो पहली चीज तो ये याद रखना कि बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें दी होंगी वो अब तक की होंगी, ना कि इस साल की होंगी, ठीक है? हाँ सर। नीचे तुमको एक अलग से इंफॉर्मेशन देगा, क्या देगा, नीचे इंफॉर्मेशन देगा ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर 10,000 का हमने प्रॉफिट कमाया, ड्यूरिंग ईयर कितने प्रॉफिट कमाया। इस लाइन का मतलब होता है ये 10,000 का प्रॉफिट इस साल का है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अब तक का प्रॉफिट है, ठीक। अगर बोल दिया कि इस साल हमने 10,000 का प्रॉफिट कमाया, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ फिगर किस साल की है, इस साल की है, वो 10 साल या इसके पहले की फिगर नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मान लो सपोज प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये बैलेंस शीट दिया है, और ये दिया हुआ होल्डिंग और ये दिया सब्सिडी, यहां है 25,000, यहां है मान लेते हैं 12,000, और बोल रहा है कि ड्यूरिंग ईयर हमने कितना कमाया, 10,000, होल्डिंग ने 10,000 कमाया और मान लेते हैं सब्सिडी ने 6,000 कमाया, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि 10,000 का प्रॉफिट इसमें एड हो जाएगा इस साल, और 6,000 का प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाएगा इस साल, यानी कि जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे लास्ट में तो ये कितना हो जाएगा, 35,000, और ये कितना हो जाएगा, 18,000। पहले बताओ ये बात समझ में आएगी नहीं? बोलो। ये बैलेंस शीट तुम्हारी हो सकता है होगी 19-20 के लास्ट की, मार्च की, और ये किसकी बैलेंस शीट है, 20-21 की। आगे बात समझ में? बोलो। अब जल्दी से मुझे बताओ 19-20 के समय में तुम्हारा प्रॉफिट कितना था, 19-20 के समय, 19-20 में तुम्हारा प्रॉफिट सिर्फ कितना था, 12,000। इस साल तुमने कितना प्रॉफिट कमाया, 6,000 मान लेते, कितना कमाया, 6,000। तो 12 और 6 कितना हो गया, यानी कि आज की डेट में, यानी कि 20-21 के लास्ट में तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना है, 18,000। इतना आवाज समझ में आया? ड्यूरिंग ईयर कितना कमाए, 6,000। स्टार्टिंग में कितना था, 12,000। लास्ट में कितना है, 18,000। ड्यूरिंग ईयर कितना है, 6,000। लास्ट में, 18,000। स्टार्टिंग में कितना था, 12,000। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो। पक्का? यही सेम चीज रिजर्व के साथ होगा, यही सेम चीज प्रॉफिट एंड लॉस के साथ होगा, यही सेम चीज अगर कुछ रिवैल्यूएशन हुआ होगा उसके साथ भी हिसाब कहानी होगी। इतनी बात क्लियर है? जल्दी से बताओ होल्डिंग का स्टार्टिंग में प्रॉफिट कितना था, 25,000। ड्यूरिंग ईयर कितना हुआ, 10,000। लास्ट में कितना है, 35,000। इतनी बात समझ में आई? याद रहेगा? बोलो। पक्का? इतनी चीज अगर क्लियर है तब हम आगे बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक पे। इतनी बात अगर तुम लोगों को क्लियर हो गई हो तो देखो, कल की ही क्लास को हम और कैरी फॉरवर्ड करते हैं और थोड़ा हम समझते हैं ड्यूरिंग द ईयर वाला हिसाब के बाद। 5 मिनट बस कॉन्सेंट्रेट करो, ये चैप्टर खत्म। मैंने कल की भी क्लास में आपको बताया था कि
मान लो सपोज एक्विजिशन हुआ है पहली तारीख को, 1 अप्रैल 2001 को एक्विजिशन हो गया, एक्विजिशन क्या हो गया, हो गया, और होल्डिंग में सब्सिडरी कंपनी में 100% होल्ड किया है, यानी कि पूरा का पूरा क्या है, होल्डिंग किया, यानी कि फुल्ली सब्सिडरी हो गई। इतनी बात समझ आई, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी ने कितने परसेंट शेयर खरीद लिए, 100%, यानी कि पूरी की पूरी सब्सिडी कंपनी किसकी है, होल्डिंग। इस एग्जांपल के साथ चलते हैं, किस डेट पे हुआ है, पहली ही तारीख, यानी कि साल के शुरू में। बताओ इस समय भी बैलेंस शीट बनी होगी, यस सर, सब्सिडी की भी होल्डिंग की भी, और सब्सिडी के रिजर्व यानी कि जनरल रिजर्व में शो कर रहा था 10,000 और इसी के रिजर्व इसी के प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर रहा था 5,000। पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये बैलेंस शीट में शो कर रहा था 1 तारीख को, तो जल्दी से बताओ ये 10,000 5,000 इस साल का होगा या अब तक का होगा, अब तक का होगा। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो, यानी कि सब्सिडी ने अपने मेहनत से, क्योंकि यहाँ पे एक्विजिशन हो रहा है तो इसके पहले तो सब्सिडी अलग होगी और होल्डिंग क्या होगी, तो सब्सिडी ने अपनी मेहनत से ही खुद की मेहनत से कितने का रिजर्व बनाया, 10,000, कितने का पीयर बनाया, और ये अब तक का है, मतलब इस साल नहीं, अब तक काम करके मैंने इतने इतने का जनरल रिजर्व और इतने का प्रॉफिट लॉस बनाया। इतनी कहा समझ गई, अच्छा, यहाँ पे एडमिशन हो गया 100% और यहां से यहां तक में प्रॉफिट हुआ है इस साल 20,000 का, कितने का, 20,000 का, और ये 20,000 का प्रॉफिट कमाया है सब्सिडी ने, किसने कमाया है, सब्सिडी ने। तो जल्दी से बताओ ये जो 20,000 की प्रॉफिट है ये बताओ एट द बिगिनिंग है, एट द एंड है कि ड्यूरिंग द ईयर है, ड्यूरिंग द ईयर। तो इस 20,000 के प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर, ये इस साल कमाया हुआ प्रॉफिट है। इतनी बात समझ आई, बोलो। अब यहां से बताओ होल्डिंग का हिसाब किताब शुरू हो गया क्योंकि उसने एक्वायर कर लिया, तो ये जो 20,000 का प्रॉफिट हुआ होगा उसमें किसको हिस्सा मिलेगा, होल्डिंग को, यानी कि ये पूरा 20,000 का प्रॉफिट किसका होगा, होल्डिंग का। तो मान लेते हैं कि इस डेट पे होल्डिंग का भी, होल्डिंग की भी प्रॉफिट दी है और रिजर्व दिया हुआ है, ठीक। होल्डिंग का प्रॉफिट दिया हुआ था 50,000, कितने का दिया था, 50,000, यानी कि इस डेट पे पहले से बैलेंस शीट बनी थी होल्डिंग की, और होल्डिंग का अब तक का प्रॉफिट कितना था, 50,000। अब ये जो 20,000 ड्यूरिंग द ईयर हुआ है उसमें बताओ होल्डिंग का हिस्सा है कि नहीं, क्योंकि उस समय होल्डिंग सब्सिडी एक हो गए थे, तो ये 20,000 किसने कमाया होगा, भले सब्सिडी ने कमाया होगा लेकिन ये पूरा का पूरा किसका है, होल्डिंग का है। तो जो होल्डिंग की प्रॉफिट रही होगी 50,000, उसमें ये 20,000 का प्रॉफिट भी क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसका मतलब कि होल्डिंग का प्रॉफिट कितना हो गया, 70,000। पहले इतनी बात समझ आएगी, सर बोलो, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हुआ है तो ये पूरा का पूरा 20,000 किसने प्रॉफिट कमाया होगा, भले सब्सिडी ने कमाया है लेकिन उसके पहले ही होल्डिंग उसमें क्या कर लिया था, 100% इन्वेस्ट कर दिया था। इसका मतलब कि पूरा का पूरा प्रॉफिट किसका होगा, होल्डिंग का। इतनी कहानी समझ आ रही है, अच्छा। अब जरा हम चर्चा कर लेते हैं, पहले हम लोग प्रॉफिट का हिसाब किताब देखते हैं, फिर हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे, ठीक। अब अगर एक और एग्जांपल ले और उसमें अगर हम कहते हैं साहब कि ये जो एक्विजिशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है 31 मार्च 21 की जगह 22 को, लास्ट डेट पे हो रहा है, ठीक है। एक्विजिशन किस दिन हो रहा है, लास्ट डेट, जब लास्ट डे पे होगा, ठीक है, तो जल्दी से बताओ ये पूरी की पूरी जो प्रॉफिट कमाया गया होगा, जितना भी प्रॉफिट कमाया होगा वो पूरा का पूरा किसका होगा, एसेट का होगा, उसमें होल्डिंग का कोई रोल नहीं है, क्योंकि होल्डिंग ने तो प्रॉफिट नहीं कमाया ही नहीं है, क्योंकि होल्डिंग कब बन रहा है सब्सिडी का हिस्सा, 31 मार्च, यानी कि इसके पहले होल्डिंग नाम की कोई चीज नहीं ही नहीं, ये पूरी की पूरी प्रॉफिट किसकी है, सब्सिडी कंपनी। अब बताओ जब ये होल्डिंग का प्रॉफिट हम लोग लिख रहे होंगे 50,000 पिछले साल का, यहां तक का 50,000 रहा होगा, और बताओ अगर इस साल इसने 20,000 कमाया है तो क्या ये 20,000 रुपया होल्डिंग ने कमाया है, नहीं सर। तो यानी कि होल्डिंग की प्रॉफिट अभी भी कितनी होगी, 50,000। पहले तो ड्यूरिंग द ईयर कांसेप्ट समझ आया, यस सर।
पहले दिन अगर हुआ होगा तो पूरा का पूरा प्रॉफिट किसका? होल्डिंग का। अगर अंतिम दिन उसने किया होगा तो पूरा का पूरा प्रॉफिट सब्सिडी का यानी होल्डिंग के प्रॉफिट में ऐड नहीं होगा। अब हम चर्चा कर ले कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का। बोलो, पहले कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का चर्चा कर लेते हैं या इसी में काम करते ड्यूरिंग द ईयर का एक और कंसेप्ट समझ लो, तीसरा भी उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा कंसेप्ट मैंने ये बताया था कि हम पहली तारीख और अंतिम तारीख को ही एक्वायर करनी जरूरी नहीं, साल के बीचों बीच में भी हम क्या कर सकते हैं? एक्वायर कर सकते हैं। अब सोचो अगर मान लो एक तारीख बीत गया, अब होल्डिंग का मन है क्या कि हमको एस लिमिटेड के शेयर्स खरीदने हैं, तो अंतिम दिन का थोड़ा वेट करेगा कि हम क्वेश्चन को आसान कर दें। उसको क्वेश्चन से क्या मतलब है, उसको तो किससे मतलब है, एक्वायर करने से। तो वो किसका वेट करेगा? वो 31 मार्च का वेट नहीं करेगा, वो जिस दिन उसको मन करेगा, जिस दिन उन लोग का डील होगा उस दिन वो एक्विजिशन हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि साल के बीचों बीच में किसी दिन क्या हो गया, एक्विजिशन हो गया। मान लेते हैं डेट लेते हैं फिगर 1 अक्टूबर एग्जाम्पल के तौर, कितना लेते हैं 1 अक्टूबर। वही सेम क्वेश्चन है कि साल भर में उसने कितना प्रॉफिट कमाया, 20,000। लेकिन मुद्दे की बात है कि इस बार एक्विजिशन कब हो रहा है, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को हो रहा है, यानी कि इस डेट पे हो रहा है। ना तो इस समय हो रहा है ना तो इस समय हो रहा है, अभी ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है। तो क्वेश्चन में तुमसे बोलेगा कि साहब यहां से यहां तक में जो प्रॉफिट था वो था 7,500, कितना था 7,500। ये क्वेश्चन ये देगा कि बिफोर एक्विजिशन द प्रॉफिट वॉज 7,500। तो अगर 20,000 पूरे साल भर हुआ है और 7,500 इधर से इधर की पीरियड का है, तो बाकी जितना बच जाएगा 12,500 वो टोटल कहां का होगा, यहां से यहां तक का। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो 20,000 रुपये साल भर का है, यहां से यहां पीरियड का कितना है 7,500, तो बाकी बच गया यानी कि 20,000 माइनस 7,500 कितना रहेगा 12,500। जल्दी से बताओ इस डेट के पहले सब्सिडी और होल्डिंग क्या थे? अलग अलग थे। क्या क्या थे? अलग अलग। चलो लोगों ने 36 का आंकड़ा कर लो, जाते ही थे दूसरे को, ठीक। तुम लोगों को पता 36 का आंकड़ा क्यों बोलते हैं? देखो 36 का मतलब, 36 को हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, ऐसे और ऐसे। तो एक का मुख किधर है, लेफ्ट का मुख किधर है, मतलब दोनों में पड़ता नहीं, इसलिए कहते क्या 36 का आंकड़ा, क्योंकि एक इधर मुख किया और एक उधर मुख किया है। छोड़ो, तो ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो जल्दी से बताओ ये 7,500 का जो प्रॉफिट है ये पूरा का पूरा किसका, सब्सिडी का। इसमें होल्डिंग का कोई रोल नहीं है। यानी कि सर जब हम ये क्वेश्चन कर रहे होंगे तो यहाँ पे हम लोग तीसरे वाले केस पे 50,000 की प्रॉफिट थी, बोलो यस सर, उसमें अगर 7,500 की बात करें तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। इतनी कहानी समझ में आई? अच्छा, अब अगर हम बात करें कि यहाँ के बाद होल्डिंग और सब्सिडी क्या हो गए, भाई भाई हो गए, ठीक, यानी कि दोनों मिल गए, भाई बन गए, ठीक। अब उस केस में जितनी भी 12,500 की प्रॉफिट है वो पूरी की पूरी किसकी है, वो 12,500 की प्रॉफिट पूरी की पूरी किसकी हो जाएगी, होल्डिंग हो जाएगी। यानी कि हम किसमें ऐड कर देंगे, होल्डिंग में। तो ये 50,000 था और उस 50,000 में 12,500 क्या कर देंगे ऐड, यानी कि कितना हो जाएगा 62,500। पहले बोलो यहां तक की कहानी क्लियर हो रही कि नहीं? पक्का? आ जाओ आगे बैठे यहां पे, ठीक है, आगे बढ़े। अगर यहां तक में कोई डाउट है तो पूछ लो, आराम से सोच के विचार के। पक्का आगे बढ़े सर? कोई समस्या? 12,500 जल्दी से बताओ, यहाँ पे होल्डिंग सब्सिडी दोनों मिल गए। अब बताओ कि यहां से यहां तक में तुमने कितना प्रॉफिट कमाया, 12,500। अब होल्डिंग और सब्सिडी एक हो गया, और अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया है कि वो 100% किसका है, होल्डिंग का हिस्सा है। तो ये 12,500 भी पूरा किसका हिस्सा होगा, होल्डिंग का होगा। इसका मतलब कि ये 12,500 किसमें ऐड कर देंगे, होल्डिंग के प्रॉफिट में। उधर 7,500 कुछ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 7,500 पूरा का पूरा किसका है, सब्सिडी का है, तो होल्डिंग के प्रॉफिट में ऐड नहीं करेंगे, सब्सिडी में जाएगा। आगे बढ़े? Yes, इतनी कहानी, कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा,
क्वेश्चन में तुमको एक और टेक्निकलिटी देगा, सोचेगा तुम लोग गधे हो तो तुम लोग को एक और चीज क्या करेगा, ऐड करेगा। क्या कहेगा सुनो ध्यान से, दो साल की बैलेंस शीट देगा, कितने साल की, दो साल, कहेगा ऐसा पहले था 50,000 का प्रॉफिट बैलेंस शीट में, और एक और बैलेंस शीट देगा उसमें देगा कितने का प्रॉफिट है 60,000। तो तुमको ड्यूरिंग डे नहीं बोलेगा, तो तुम लोग खुद भी दिमाग लगा सकते हो पिछले साल तक टोटल कितना प्रॉफिट था, इस बार वो बढ़ के कितना हो गया, इसका मतलब ड्यूरिंग डे कितना कमाए होंगे, दे देगा दो साल का बैलेंस शीट, ठीक। अब तुमको बोला है कि पिछले साल तक 50,000 था, इस साल 60,000 होगा, इसका मतलब ड्यूरिंग डे कितना प्रॉफिट कमाओगे, सिंपल कहानी खत्म। बाकी लोगों के साथ भी होगा, मतलब किसके रिजर्व के साथ भी होगा, प्रॉफिट लॉस के साथ भी होगा, ठीक है। ये चार भाई याद रखना, इसमें ये बहुत रेयर आता है, ये तीन याद रखना मेन, ठीक है। किसी को नोट करना है तो नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। यही तो केस है, ये प्री है पोस्ट। चलिए देखिए, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, एलिमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट भी डिस्कस कर चुके थे, उसको एक बार फिर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। एलिमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की जब बात करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अगर आपसे कोई पूछेगा, क्या पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, पूछ सकता है। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि कंट्रोल करने के लिए मैंने कितना कॉस्ट दिया है, किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए हमने कितना कॉस्ट दिया है। अच्छा, जब हम बोलते हैं कंट्रोल, तो कंट्रोल का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग में हिस्सा, और डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हिस्सा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब होता है कि मैंने कितना उसमें इन्वेस्ट करके रखा है, तभी तो मुझे इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तभी तो हिस्सा मिलेगा ना। तो इसका मतलब कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब कि उस होल्डिंग ने सब्सिडी की कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसमें से हम माइनस करेंगे कि कितना कितना मुझे हिस्सा मिल रहा है। तो बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल में हिस्सा मिलेगा, और ये जो भाई होते हैं चारों उसमें हिस्सा मिलेगा, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस कर देंगे, और क्या माइनस कर देंगे, जितने भी भाई भाई यानी कि इन चारों को, ठीक। माइनस करने पे अगर पॉजिटिव फिगर आएगा तो गुडविल, और निगेटिव आएगा तो कैपिटल। मैंने बताया भी था कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा करके रखा है और आपको बदले में कम हिस्सा मिल रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि आपने एक्स्ट्रा पैसा किसके लिए दिया है, गुडविल के लिए दिया है, क्योंकि उस सब्सिडी क्या रही होगी, गुडविल, तभी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट कम रखा है और आपको वापसी में ज्यादा चीजें मिल रही है, यानी कि शेयर होल्डर में ज्यादा हिस्सा मिल रहा है, रिजर्व में ज्यादा हिस्सा मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपके लिए क्या है, एफआरडी का सौदा है, कैपिटल प्रॉफिट है, तो उसको क्या नाम देंगे, कैपिटल। इतनी बात समझ में आई, चलो अब जरा मेरी बात ध्यान समझो, फिगर को ध्यान दो, प्री और पोस्ट की कहानी। यहां पे मैंने बताया था इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, यस सर, कुछ होगा, मान लेते हैं यहाँ पे 1,00,000 है, एग्जाम्पल कितना है 1,00,000, मान लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के चारों भाई, मतलब दो ही भाई दिए, एक तुमको दिया हुआ जनरल रिजर्व और एक तुमको दिया है प्रॉफिट रिजर्व, और ये दिया है तुमको मान लेते हैं 20,000 और ये दिया हुआ है 10,000, ठीक है। 1 तारीख को होल्डिंग जो है, पिछला वाला एग्जांपल है, 100% किसमें खरीद रहा है, सब्सिडी में, इतनी बात समझ, पूरा का पूरा हिस्सा किसका हो रहा है, होल्डिंग का सब्सिडी। उसके पहले यानी कि इसके पहले सब्सिडी अलग होगी, yes, और सब्सिडी के पास ये था और ये था, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर इसने कमाया कितना, 20,000, बोलो यहां तक पहुंच गया, यस सर। ड्यूरिंग ईयर कितना कमाया, 20,000। अब यहां पे जब वो कंपनी खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, कंपनी यहां पे परचेज कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, तो इस केस में बताओ प्रॉफिट कितना था, अभी भी 10,000 था, ये 20,000 तो बाद में हुआ है ना, यानी कि अगर होल्डिंग इसको खरीद रहा होगा तो उसको वापसी में कितना पैसा मिल रहा होगा, 1,20,000। अब मान लेते हैं कि उसने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, इन्वेस्टमेंट यानी कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मान लेते कितना था, 1,50,000 था,
कितना था? डेढ़ लाख। तो डेढ़ लाख में से एक पीस माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा गुडविल, और गुडविल कितना आ जाएगा? 20,000। मतलब मेरे कहने का ये है साहब कि इस 20,000 का इसके ऊपर कोई रेलेवेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्वायर करने के बाद ये प्रॉफिट हो रहा है। yes, तो जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडी में एक्वायर कर रही होगी तो उस समय उसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने का प्रॉफिट था? 10,000 का। 30,000 का प्रॉफिट नहीं था, क्योंकि उस समय 10,000 था, उसके बाद 20,000 का हुआ। इतनी कहानी समझ में आ रही है? बोलो, पहला केस क्लियर हुआ? दूसरा केस यही सेम केस है, लेकिन दूसरा केस समझो कि एक्विजिशन अब कब हो रहा है? 31 मार्च 22 को। बोलो किस दिन एक्विजिशन हो रहा है? 31 मार्च। और यही 20,000 का प्रॉफिट हमको हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। 20,000 का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। अब जल्दी से बताओ कि इक्विटी शेयर कैपिटल तो उतना ही रहेगा। yes, 1,00,000। रिजर्व भी कितना रहेगा? उतना ही रहेगा। लेकिन अब हमारे पास प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 30,000। वेरी गुड, 10,000 + 20,000। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट भी पूरी की पूरी किसने कमाई है? सब्सिडी ने कमाई है। यानी कि आज की रेट पे, यानी कि अगर मैं यहां खड़ा हूं, चलो मैं यहां पे खड़ा भी रहता हूं, ठीक, अगर मैं यहां पे अपने आप को देखता हूं तो यहां पे मेरे पास प्रॉफिट कितना है? 10,000 नहीं है, कितना है? 30,000 है। यानी कि आज रेट पे कितना प्रॉफिट है? 30,000। अब जल्दी से इसको जोड़ो कितना है? 1,00,000। और उसने इन्वेस्टमेंट भी कितना किया था? इसका मतलब कि नो गुडविल, नो कैपिटल रिजर्व। अब कुछ कहानी समझ में आ रही है? यस सर। बोलो, प्रॉफिट का भी हम लोग हिसाब किताब कर चुके हैं कि प्रॉफिट में कब होल्डिंग में जुड़ेगा और कब नहीं जुड़ेगा, जो इसके पहले जस्ट पढ़े थे। अब हम लोगों ने देखा कि जब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाले होंगे तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में किस केस में प्रॉफिट जोड़ेंगे और किस केस में प्रॉफिट नहीं जोड़ेंगे। कहानी समझ आई? इस वाले केस में उतनी ही प्रॉफिट रहेगी। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर, यानी प्रॉफिट कमाने से पहले ही उसने उस कंपनी को क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया। तो जब उसके पहले ही एक्वायर कर लिया, इसका मतलब कि उसका प्रॉफिट अभी भी कितना होगा? 10,000 ही होगा। तो होल्डिंग उससे पूछेगा ना कि बेटा चलो बताओ सब्सिडी कितना प्रॉफिट है, तो वो कितना बोलेगा? 10,000। कुछ कहानी समझ आ रही है? लेकिन अगर यही होल्डिंग ने यहां पे एक्वायर किया, अब अगर वो उससे पूछेगा कि चलो बताओ बेटा कितना प्रॉफिट है, तो बोलेगा साहब 10,000 पिछले साल का, और ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितना कमाया? 20,000। इसका मतलब कि आज के पे मेरे पास कितना प्रॉफिट है? 30,000। कुछ कहानी समझ में आ रही है? तो अब जब वो उसकी कंपनी को खरीदने जाएगा तो बोलेगा कि मुझे कितना वापस मिल रहा है? 1,50,000। और मैंने कितना इन्वेस्ट करके रखा था? 1,50,000। 1,50,000 में से 1,50,000 माइनस की, यानी कि कोई गुडविल और कोई कैपिटल रिजर्व नहीं होगा। पहले वाले केस में हमारे पास गुडविल कितनी थी? 20,000। लेकिन इस वाले केस में मेरे पास कोई गुडविल नहीं। इतनी बात समझ आ रही है? आगे बढ़े। अच्छा, थर्ड केस। थर्ड केस मैंने बताया था कि ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने 20,000 कमाया और बीचों बीच में, यानी कि बीचों बीच में यहां पे आपने बोला कि मैं एक्वायर करूंगा, ये हमने पढ़े थे अभी, और उसमें मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि यहां से यहां तक का प्रॉफिट साहब 7,500 था ना, और यहां से यहां तक का प्रॉफिट कितना था? 12,500। यही था ना? बोलो, वो एग्जाम्पल ले रहे। अब ध्यान से समझो कि जिस दिन एक्विजिशन होता है, हम सारा सामान उठाकर किस दिन लेके जाते हैं? उस दिन। पहले बताओ, पहले इस बार में कहां पे एक्विजिशन हुआ? यहाँ पे। तो सारा सामान कहां पे था? यहाँ। फिर लास्ट वाले केस में कहां पे किए? यहाँ। तो सारा सामान कहां आ गया? यहाँ। अब बताओ हम कहां कर रहे हैं? बीचो बीच में, यानी कि सारा का सारा सामान मेरा कहां होगा? यहाँ पे। जल्दी से मुझे बताओ, इक्विटी में कोई चेंज नहीं होगा? नहीं सर। इक्विटी 1,00,000 का 1,00,000 ही रहेगा। रिजर्व में कोई चेंज नहीं होगा? रिजर्व उतने का उतना रहेगा, यानी कितना? 20,000। अब जल्दी से बताओ यहां पे प्रॉफिट कितना हुआ है? 7,500। इसका मतलब 10,000 पहले था, 7,500 और हो गया, यानी कि मेरे पास प्रॉफिट था 10,000 + 7,500, इसका मतलब कि 17,000। तो इसको जब जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1,37,500। इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। बोलो,
अब बताओ उसने उस कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया था? डेढ़ लाख में से मैंने 37,500 माइनस कर दिया, ये आ गया 12,500। इसका मतलब कि मेरी गुडविल कितनी हो गई? कितना आसान इसमें कुछ है? बोलो, कोई दिक्कत अगर यहां तक है तो बोलो, नहीं तो फिर मारो। पक्का तीनों केस क्लियर हो गया? कब कब कैसे कैसे करेंगे? अब ये जो बाकी 12,500 बचा सर, उसका क्या होगा? तो मैंने कहा था कि ये होल्डिंग के प्रॉफिट में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा किसका था? होल्डिंग का था। अब अगर यही बताओ, अगर इसी सिनारियो में एक चेंज कर दे कि हम 100% की जगह कितना एक्वायर कर रहे हैं? 60%। तो सारा का सारा चीज कितना हो जाएगा? 60% होल्डिंग के साइड में ना, बस बाकी सब्सिडियरी का नहीं रहेगा। सब नहीं, मतलब पूरा का पूरा सिनारियो किस पे हो जाएगा? 60%। यानी कि 20,000 का भी हम 60% लेंगे, प्रॉफिट लॉस का भी 60% लेंगे, ठीक। ड्यूरिंग द ईयर देख लेंगे क्या हिसाब किताब है। इतनी बात समझ आ रही है? इस केस में दो बैलेंस शीट बनेगा ना? इस केस में दो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट तो हर केस में एक बैलेंस शीट तुमको ऑलरेडी दिया जाएगा और एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। होल्डिंग का अलग बनाएंगे, सब्सिडियरी नहीं, अभी हम बनाएंगे ना, मर्ज करके ऐसे करके होल्डिंग और सब्सिडी बस बन गया। यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, होल्डिंग का होल्डिंग में, सब्सिडी का सब्सिडी। सब्सिडी का भी ऐसे बनेगा नहीं, हमको बनाना ही नहीं है, क्यों बनाएंगे जब कंसोलिडेट बना रहे हैं? तो दोनों का एक साथ दिखाएंगे, तो एक साथ ही तो बनेगा, यानी कि सब्सिडी के नाम पे कुछ रहेगा ही नहीं। सब्सिडी का सारा अमाउंट किस में दिखेगा? होल्डिंग में। अभी बनाना सिखाएंगे। इतनी कहानी समझ में आई? कोई कहीं भी 1% का डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। अच्छा, जब हम कहते हैं 60%, क्या बोलते हैं? 60%। तो पूरी वर्किंग किस में होगी? 60%। बाकी जो 40% होगा वो कहलाएगा माइनॉरिटी इन्वेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वर्किंग अलग से होगी और उसको भी हम बैलेंस शीट में अलग से दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 1,00,000 का 60% 60,000, 20,000 का 60% 12,000, 10,000 का 60% 6,000। इसका यानी कि निकाल दोगे, इसको अब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट भी तो कम हो चुका होगा। यहाँ तो पूरे के लिए 1,50,000 किए, हो सकता है 60% के लिए 1,00,000 किया हो, तो 1,00,000 में से उसको क्या कर देंगे? यानी कि पूरी की पूरी कहानी किस में हो जाएगी? 60%। बाकी 40% जो हो जाएगा माइनॉरिटी। कोई कहानी में दिक्कत? पक्का क्वेश्चन किया जाए मैदान? अब छाप लो, इसको छाप लो।